हे कैसे आप सब। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं स्पंज गॉड, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में परोल कहते हैं, आप शायद इसे घिया, नेनुआ, झिंगली इन सब नामों से जानते होंगे, उससे बीज से ग्रो करने से लेकर के लास्ट हार्वेस्टिंग तक का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो मैं अभी इसलिए कर रही क्योंकि मार्च से लेकर जून तक स्पंज गॉड परोल को लगाने का सही टाइम रहता, और मेरा ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपकी मदद करेगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। परोल के पौधों को लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए अच्छी क्वालिटी का बीज। आप किसी अच्छे सीड स्टोर से अच्छी वैरायटी का सीड खरीद लीजिए। और नेक्स्ट सीजन से ना, मैं आपको इस वीडियो के दौरान कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपको घर पे ही सीड अवेलेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इन बीजों को सीधे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप टेरेस या बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो इन बीजों को आप कम से कम 12 इंचेस गहरे और चौड़े गमले में लगाइए। गमला बड़ा रहने से मिक्स उसमें ज़्यादा रहता है और इस वजह से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, पौधा अच्छे से फ्लावरिंग और शूटिंग करता रहेगा। छोटे गमले में आपको बहुत ही अच्छे से खाद डालना पड़ेगा। ग्रो बैग में आप अपने गार्डन की मिट्टी भर लीजिए। अगर आपकी तरफ की मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी है तो मिट्टी में थोड़ा सा बालू मिक्स कर लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा बलुआई है तो थोड़ा सा कोकोपीट डाल दीजिए। और हाँ, कंपोस्ट, चाहे कोई भी हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी कंपोस्ट हो वो आप ज़रूर मिक्स करिएगा, उससे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। ग्रो बैग को ऊपर से लगभग 3 इंचेस खाली छोड़िएगा, और इसके पीछे एक रीज़न है जो आपको आगे पता चलेगा। बीजों को लगाना काफ़ी आसान है, लगभग आधे से 1 इंच का एक होल बना लीजिए, उसमें बीजों को डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। इस ग्रो बैग में मैं 3 बीजों को लगा रही हूँ, बाद में हम इसमें बस 2 ही पौधा रखेंगे, एक जो सबसे कमज़ोर पौधा होगा उसे हटा देंगे। बीजों को लगाने के बाद पानी ज़रूर डाल दीजिएगा। मैं नहीं डाल रही क्योंकि बूंदा बूंदी स्टार्ट हो गई है, आसमान में बहुत सारे बादल हैं और मुझे जल्दी घर के अंदर भागना होगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपडेट के साथ। ये रहा आपके सामने 6 दिन बाद का अपडेट। इन बीजों को उगने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता। आपको याद ही होगा 3 बीजों को हमने लगाया था, जिसमें से 2 पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और 1 पौधा काफ़ी कमज़ोर सा है जिसे हम हटा देंगे। पौधों की ये ग्रोथ बीजों के लगाने के 16 दिन बाद की है, और इस समय आप ग्रो बैग में अच्छे से 60 से 100 ग्राम के आसपास कोई भी कंपोस्ट ज़रूर डाल दीजिए। बीजों को लगाए हुए 1.5 महीने हो गए हैं। बीजों को लगाने के 16 दिन बाद हमने सिर्फ कंपोस्ट डाला था, और अब से हर 1 महीने के इंटरवल पर हम एक फर्टिलाइज़र मिक्सचर यूज़ करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं मिक्स करना आपको, बस आपको 100 से 150 ग्राम कंपोस्ट लेना है और उसमें आपको लगभग 1/2 चम्मच रॉक फॉस्फेट मिलाना है। रॉक फॉस्फेट फॉस्फोरस का एक अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है, जिससे पौधे में फल फूल बहुत सारे लगते हैं। आप ज़रूर यूज़ करिएगा, बड़े ही आराम से ऑनलाइन मिल जाता है, इवन बीज भंडार में भी आपको आराम से मिल जाएगा। बीजों को लगाने के 1.5 महीने बाद से हर 1 महीने के इंटरवल पे आपको ये फर्टिलाइज़र डोज रिपीट करना है, तब तक जब तक ठंडियाँ ना आ जाए और पौधा पूरी तरह से सूख ना जाए। पौधों को लगाने के बाद हर 1.5-2 महीने में एक और बहुत ही ज़रूरी काम आपको करना है, और ये काम है अर्थिंग अप, मतलब जड़ों के ऊपर मिट्टी भरना। और इसीलिए हमने गमले में ऊपर पे 3-4 इंच खाली जगह छोड़ा था, जैसे कि हम मिट्टी भरते रहें, जड़ ढकी हुई रहे और पौधा अच्छे से ग्रो करता रहे। परोल बाकी गॉड्स जैसे कि करेला, ककड़ी, खीरा, कद्दू इन सब की तरह लत वाला पौधा होता, और इसलिए आपको इसे किसी लकड़ी डंडे के सहारे से चढ़ाना होगा और कहीं पे फैलाना होगा। फैलाने के लिए आप चाहें तो जाली बना लें, मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, उसी को लगा दिए हैं और इस पर लत फैल जाएगा। एक और ज़रूरी काम आपको करना है, जब आपका लत उस हाइट तक पहुंच जाए जहाँ पे आपको फैलाना है, तब उसके ऊपर का टिप काट दीजिए। इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे जो कि हर तरफ फैलेंगे, और पौधा जितना फैलेगा उतने साथ में फूल लगेंगे और सब्जियाँ लगेंगी।
फ्रेंड्स, हर एक से डेढ़ महीने में आप लत पे नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कर दीजिए। उससे आपका पौधा हेल्दी रहेगा और सब्जियां भी अच्छी हेल्दी उगेंगी। नीम ऑयल कैसे तैयार करना है ये मैंने आपके साथ कई सारे वीडियो में बताया हुआ है। एक दो वीडियो की लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। परोल में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। ये वाला आप देख रहे हैं, ये है मेल फ्लावर। चलिए मैं आपको अब फीमेल फ्लावर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है फीमेल फ्लावर। इसमें नीचे ओवरी लगी हुई रहती है जो कि बाद में जाकर सब्जी बनती। आप देख रहे हैं हर गुच्छे में अब एक फीमेल फ्लावर है। शुरुआत में मेल फ्लावर्स ही आते हैं ज़्यादा और फिर बाद में धीरे धीरे फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ जाता है। बस ये सारे कुछ केयर टिप्स थे और इन्हें फॉलो करके आप कंटिन्यूसली एक बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि अगले सीजन के लिए आपको बीज कैसे स्टोर करने हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के ही कुछ अच्छे फलों को आप पूरा पकने दीजिए, लत पे ही लगा हुआ रहने दीजिए और जब ये हल्के से नीचे से ब्राउन हो जाए तब आप इन्हें काट लीजिए। काटने के बाद आप इन्हें अच्छे से सूखने दीजिए। आप चाहें तो लत पे भी लगा हुआ रहने दे सकते हैं जब तक सूख ना जाए और फिर ऐसे ही इन्हें अगले सीजन के लिए स्टोर कर लीजिए। और अगले सीजन आप बड़ी ही आसानी से इनके अंदर से बीज निकाल के उन्हें रीग्रो कर सकते हैं। बीजों से हमने पौधे उगा लिए और पौधे से हमें फिर से बीज मिल गए। चलिए अब मैं आपको गार्डनिंग से थोड़ा अलग और बड़े ही काम की बात बताती हूँ। आजकल हम सभी लोग प्लास्टिक के यूज़ को कम करने का सोच रहे हैं अपने घरों में और उसमें भी परोल स्पंज गॉड एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। बताओ कैसे? एक्चुअली ये जो परोल के छिलके हैं ना, इन्हें जब आप हटाएंगे तो अंदर से एक फाइब्रस चीज़ निकलेगी और ये जो है ना, इसे आप अपने घर के किसी भी तरह के स्क्रबर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक स्क्रबर, कोई प्लास्टिक नहीं। अगर आपको बर्तन धोना है तो इसे सिंपली छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर यूज़ कर लीजिए और अगर बड़ी स्क्रब की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसे 10 मिनट के लिए उबाल लीजिए। काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और आराम से आप यूज़ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा मैंने अपने एक साल के ल्यूफा स्टॉक का फोटो वहाँ पे पोस्ट किया था और आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा था ये क्या चीज़ है, किस पर्पज़ से यूज़ होता। सो इस वीडियो में मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, परोल का पौधा गर्मियों में उगाया जाता है, मार्च के लास्ट से लेकर के आप जून तक लगा सकते हैं और पौधा नवंबर के लास्ट तक चलता है। दिसंबर में जब ठंडियाँ बढ़ेंगी तो पौधा अपने आप सूखता जाता है, लेकिन फिर भी आपको जब तक पौधा सूख ना जाए तब तक हार्वेस्ट मिलता रहेगा। ये पौधा तो अब सूखने लगा है, लेकिन कोई ना, नेक्स्ट मौसम बीजों से नए पौधे लगेंगे। आशा करती हूँ मेरा ये ट्यूटोरियल वीडियो इस गर्मी के मौसम में परोल को ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ स्पंज गॉड को क्या कहते हैं, परोल कहते हैं या घिया कहते हैं या नीनवा कहते हैं। चलिए फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ हेल्दियर हैप्पी अर्थ। प्रकृति गार्डन साइनिंग ऑफ।